सभी को नमस्कार। आज की ये जो वीडियो है ये इस चीज के ऊपर बेस रहेगी किसको ज्योतिष पढ़ना चाहिए, किसको ज्योतिष का ज्ञान रखना चाहिए, कौन ज्योतिष पढ़ेगा तो उसको फायदा होगा या उसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज। देखिए, इस चीज के ऊपर कोई भी फिक्स कंडीशन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ज्योतिष आप नहीं पढ़ सकते हैं। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा फेमस बात समझ लें हम लोग, या बहुत ज्यादा प्रचलन में बोल रहे हैं हम लोग, कि मैक्सिमम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, रेकी में, या बहुत सारे भी अलग अलग तरह की साइंसेज में जो है वो इंटरेस्ट रखना शुरू कर चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ज्योतिष की अगर हम बात करें, ज्योतिष में सबसे मेन चीज ये है कि ये साइंस जो है वो ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए बनाई गई है। कोई भी जीव या निर्जीव चीज कोई भी है उसके ऊपर ऑकल्ट की जो चीजें हैं, यानी कि ज्योतिष की जो चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी की चीजें हैं, या वास्तु की जो चीजें हैं, उनके ऊपर असर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर कुंडली के 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर हमेशा असर करते हैं, नक्षत्र भी असर करते हैं, उनके चरण भी असर करते हैं। सेम कंडीशन में अगर हम किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं कि कोई भी जानवर आता है तो उनकी लाइफ में भी इवेंट्स हैं, उनकी लाइफ कैसे निकलेगी, उनकी डेथ कब होगी, कैसे होगी, या उनकी बीमारियां कब आएंगी, उनके ऊपर भी ग्रहों का असर पूरी तरह से होता है। और यही चीजें जो एनिमल्स हैं, यही जो ग्रहों के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे डॉग को केतु के उपाय में यूज किया जाता है, बिल्ली को राहु के साथ माना गया है, गाय को शुक्र के साथ माना गया है, इस तरह से बहुत से चीजों में बोला गया है, डिटेल में बताया गया है। जैसे हम गाड़ियाँ यूज करते हैं, या गाड़ी निर्जीव है, या मोबाइल यूज करते हैं, तो इनके ऊपर जो मोबाइल के नंबर्स हैं, गाड़ियों के जो नंबर्स हैं, वो भी मैटर करते हैं, ये भी चीजें असर करती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज है कि जो भी चीज निर्जीव या जीव है उनके ऊपर, सभी के ऊपर ग्रहों का असर जो है वो होता है। अब बात करते हैं कि किसको ज्योतिष सीखना चाहिए, किसको ज्योतिष नहीं सीखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग अगर आपके माइंड में अगर चल रही है कि आप ज्योतिष सीख कर लोगों का भला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे आप ज्योतिष में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि ज्योतिष आप सीख सकते हैं वैसे कंडीशन में, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो। हाँ, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि इससे आप इजी लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को भ्रम पैदा करके आप पैसे कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये साइंस आपके लिए नहीं है, ये चीज आपका नुकसान करना शुरू कर देगी। अब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ साइंसेज हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है, जो ये चीज जिससे हम बात कर सकते हैं कि सारी की सारी ऑकल्ट के साइंसेज जो हैं वो वैदिक ज्योतिष में से ही निकली है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, वैदिक वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, या केपी एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र की कोई भी ज्योतिष की पद्धति है, या नाड़ी ज्योतिष है, या फिर लाल किताब है, या कोई भी और पद्धति है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जो है वो शास्त्रों में या फिर हमारे ग्रंथों में जो है वो ये सब चीजें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। तो ज्योतिष अगर आप लोगों के भले के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप किसी भी चीज में इस चीज को बिना सोचे आप इस चीज में एंट्री ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के जो भ्रम भी हैं इसी कंडीशन में कि आपकी कुंडली में अगर राहु बहुत है तो अच्छा आपका बैठा है, तो विचार अपने आप आएंगे, आप वैसी कंडीशन में आप इसको सीखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छा है तो लाल किताब सीखिए, मंगल खराब है तो लाल किताब नुकसान करेगी, या मंगल अच्छा है तो साउथ की पद्धतियाँ सीखिए, मंगल खराब है तो साउथ की पद्धतियाँ खराब करेंगी। नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ मैं ऐसी कंडीशन में, मेरे एक बेसिक कंडीशन ये है कि सबसे पहले आप अगर कुछ भी अगर आप ज्योतिष में सीखना चाहते हैं तो वैदिक ज्योतिष को थोड़ा बहुत आप स्टार्टिंग में जरूर पढ़ें, क्योंकि वैदिक ज्योतिष जो है वो मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस है। इसमें आपको बेसिक डिटेल सारी मिल जाएंगी कि 12 के 12 घर क्या होते हैं, 12 राशियां क्या होती हैं, कौन सा घर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरह से कौन से घर से हम फल ले सकते हैं, कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से ग्रह अपनी राशियों में बैठे हैं, कौन से स्ट्रांग बैठे हैं, कौन से उच्च हैं, कौन से नीच हैं, कौन से घर नुकसान के हैं, कौन से घर फायदे के हैं, किन घरों से आपको किस तरह के बेनिफिट बैठने के, किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, ये आपकी बेसिक पैरामीटर जो हैं वो आपको वो कर देंगे, बना देंगे, जिसको हम नींव बोलते हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो वैदिक ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, ये ऐसा सागर है जो जितना आप इसमें एंट्री लेते जाएंगे, जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतनी चीजें आपके लिए और आगे खुलती चली जाएंगी और आप उसमें एक्सपर्टीज लेते चले जाएंगे। साउथ की अगर हम बात करते हैं तो साउथ में ज्यादा नाड़ी ज्योतिष का प्रचलन है, नाड़ी ज्योतिष जो है वो साउथ में ज्यादा चलता है,
अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में वैदिक ज्योतिष भी है, लेकिन लाल किताब का प्रचलन जो है वो पंजाब में बोलने, दिल्ली में बोलने या फिर नॉर्थ इंडिया में बोलने थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें, न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत एक्यूरेट साइंस है। न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साइंसेज बोल सकते हैं, पद्धतियां बोल सकते हैं, वो अलग अलग हैं, जैसे शेडलिन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वास्तु की अगर बात करते हैं, वैदिक वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, फिर कैटरिका है, देन इंडस्ट्रियल वगैरह, सब कुछ अलग अलग तरीके से आ जाता है। तो जितना आप इन चीज़ों में डीप में जाते चले जाएंगे, उतनी कंडीशन पर आपको जो है वो बेटर वे में आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो आपकी कुंडली के जो हाउसेज होते हैं, जैसे हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 5 है, हाउस नंबर 9 है, ये तीन हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ये तीन घर अगर आपके अच्छे हैं तो कुंडली के अनुसार आप इस चीज़ में इंटरेस्ट आपका बनेगा। हाउस नंबर 8 जो है, ये ऐसी विद्याओं की तरफ आपकी रुचि पैदा करता है जो कि हिडन साइंसेज हैं, जैसे कि साधनाएं हो सकती हैं, इंट्यूशन की चीज़ें हो सकती हैं, रेखी हो सकती है, ज्योतिष उनमें से एक है वो हो सकता है, वास्तु हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में भी आप ज्योतिष में जो है वो रुचि रख सकते हैं, ज्योतिष में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा है, केतु ग्रह अगर आपका अच्छा बैठा है या फिर आपका बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज्योतिष में आ सकते हैं। स्टिल अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है आपका ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है और आप ज्योतिष नहीं सीख पा रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो एक बहुत बेसिक सी कंडीशन ये है कि गणेश जी की आप पूजा जो है वो डेली शुरू करें। गणेश जी की पूजा आप डेली शुरू करते हैं तो आपको रास्ता मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा वैसी कंडीशन पर। तो ऐसी कोई भी मिथ फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें ये कहा गया है कि ये ग्रह अच्छा होगा तो करना है, ये ग्रह अच्छा होगा तो करना है, इन सबको साइड पर रख के अगर आप ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहते हैं तो इसमें एंटर हो जाइए, बिना सोचे एंटर हो जाइए। तो जब आप किसी का भला करेंगे तो भला करने के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको जो है जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो ब्लेसिंग से भी आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुधरनी शुरू हो जाती है। तो हर तरह का इंसान एस्ट्रोलॉजी में आ सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स पर जाना चाहते हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा, तो वो भी मैंने आपको बताया है वैसी कंडीशन पर। कोशिश करिए कि आप एस्ट्रोलॉजी को जो रिसर्च की तरह लें, एक बार सीख लें, आप अच्छे से समझ लें, तो इसको रिसर्च की तरह लें, ना कि ऐसा कि ये बुक में ऐसा लिखा था तो ऐसा ही होना चाहिए। समटाइम्स कैलकुलेशन मेथड एंड सिस्टम्स आर डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मॉडिफिकेशन में भी डालते हैं, क्योंकि जब ज्योतिष लिखा गया था तब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज की डेट पर लाइफ जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। जैसे बीमारियां बहुत सारी आ चुकी हैं, लाइफ के इवेंट बहुत सारे आ चुके हैं, लाइफ स्पैन पहले उतना नहीं था जितना पहले था, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ चुके हैं। तब रिसर्च जो है वो कभी भी अपनी बंद ना करें, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझते जाएँ और अंडरस्टैंड करते जाएँ। किसी भी मिथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, इजी मेथड में समझिए, इसी इजी चीज़ों में समझिए और उन चीज़ों को समझिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों पर जाएं। तो आई होप कि मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि ज्योतिष कौन सीखे कौन ना सीखे। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसको डिटेल में 2 दिन बाद देखिए, समझिए, आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। अगर इस वीडियो को आपको कोई बेनिफिट हुआ इस वीडियो के थ्रू, या आपको कोई अच्छी लगी ये वीडियो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट इस वीडियो चैनल में जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपकी तरफ सबसे पहले पहुँचे। बहुत जल्दी किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।